यह फंक्शन एंगल की वैल्यू को जो रेडियंस में होती है उसे टेंजेंट में कैलकुलेट करता है। इसका ताल्लुक भी ज्योमेट्री और अलजेब्रा से है। इसके आर्गुमेंट के अंदर एक नंबर आता है जो कि एंगल नंबर होता है, जो कि रेडियंस में होता है, जिसे हम टेंजेंट में तब्दील करना चाहते हैं। इसके बाद ये फंक्शन इस एंगल के नंबर को टेंजेंट में हमें टेंजेंट की वैल्यू को रिटर्न करके दे देते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं। हमारे पास कुछ एंगल्स के नंबर हैं, 20, 30, 45, 60 और 90। ये हमारे पास कुछ एंगल के नंबर हैं जिन्हें हम टेंजेंट में तब्दील करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनको, ये डिग्रीज के अंदर है, हमें इनको सबसे पहले रेडियंस के अंदर तब्दील करना होगा, उसके बाद हमें इसको टेंजेंट के अंदर तब्दील करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फार्मूला देखे, हमने सबसे पहले TAN 10 इसको इस्तेमाल करा टेंजेंट बनाने के लिए। टेंजेंट के फार्मूले में उसके आर्गुमेंट के अंदर हमने रेडियंस का फार्मूला लिया और उसमें यहाँ पे इसका सेल का रेफरेंस दे दिया। तो इस तरह हम A2 को लेके पहले उसको रेडियंस बना रहे हैं, रेडियंस की वैल्यू को फिर हम टेंजेंट के अंदर तब्दील कर रहे हैं। तो इस तरह ये 20 एंगल जो है वो टेंजेंट के अंदर 0.36 बन गया। और इसी तरीके से ये तमाम के तमाम एंगल जो कि इसकी वैल्यू जो है ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री वालों के लिए है कि ये टेंजेंट क्या होता है। तो 45 को इसने टेंजेंट के अंदर 1 बना दिया है।